हेलो एवरीवन, आज मैं अपने रसोई में आपके साथ ब्रेड पनीर सैंडविच की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हम फ्राई पैन पे बनाएंगे और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। इसके लिए सबसे पहले हम आलू की स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए हम एक फ्राई पैन को गर्म करेंगे और उसमें एक चम्मच हम सरसों का तेल डालेंगे। आप यहाँ पे अपनी पसंद की कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। और सैंडविच का जो स्टफिंग होता है वो कम तेल में ही बनाना होता है, इसलिए हम यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा तेल का यूज़ करेंगे। और उसमें आधा चम्मच हम खड़ा जीरा डाल देंगे और इसे एक दो सेकंड तक चटकने देंगे। अब हम इसमें एक बड़े साइज के बारीक कटे हुए प्याज को डाल देंगे और इसे हाई फ्लेम पे ही लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गया है और प्याज का कलर हल्का चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च को डाल देंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम प्याज के साथ इसे हाई फ्लेम पे ही 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, ताकि लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो हट जाएगा। दो मिनट के बाद अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच आमचूर या चाट मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और मसाला डालते वक्त गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। एक बार हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें 2 से 4 चम्मच पानी डालकर मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये जो मसाला है इसे हमें ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, सिर्फ 2 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है वो हट जाए। दो मिनट के बाद इसमें हम आलू को ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के आलू को बॉईल करके मैश कर लिया है, तो इसे हम मसालों में ऐड करेंगे और मसालों के साथ हम आलू को फिर से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस सैंडविच को आप एक बार ज़रूर बनाइए। इसे बच्चे बड़े सब बहुत पसंद करते हैं और छोटी मोटी भूख को मिटाने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। 2 मिनट तक आलू को मसालों के साथ फ्राई करने के बाद हम इसमें हरी धनिया की पत्ती डालेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ करके ये सारे स्टफिंग को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 4 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और थोड़े से पनीर को कद्दूकस करके रख लिया है। और ये आलू जो हमने स्टफिंग तैयार किया था, इन सबको हम एक जगह रखेंगे और इसका हम सैंडविच तैयार करेंगे। सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सैंडविच वाली ब्रेड लेंगे और इसके ऊपर आलू का जो स्टफिंग हमने तैयार किया था उसे स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ये आलू का जो लेयर है हमें ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, बस इतना कि ये सारा कोट हो जाए, उस तरीके से फैलाते हुए हमें रखना है। ये देखिए, अब हम इसके ऊपर जो कद्दूकस करके पनीर को रखे हैं उसे फैला देंगे। और फिर से एक ब्रेड को हम इसके ऊपर इस तरीके से कवर कर देंगे, हाथों से कुछ इस तरीके से दबा देंगे और सेम प्रोसेस से हम सारे सैंडविच को बनाकर रख लेंगे। फ्राई पैन को गर्म कर लेंगे और उसमें आधा चम्मच शुद्ध घी डाल देंगे। घी को चारों तरफ फैला लेंगे और इसमें सैंडविच को हम डाल देंगे। सैंडविच को डालते समय हमें गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है और हम इसे एक साइड से अच्छे से सिकने देंगे। इसे हम हाथों से चारों तरफ फैला देंगे ताकि जो घी जो है वो अच्छे से ब्रेड के अंदर सोख हो जाएगा। अब हम इसे टर्न कर लेते हैं और सेम प्रोसेस से दूसरे साइड से भी हम इसे सेक लेंगे। जब दोनों साइड से ब्रेड जो है वो ब्राउन कलर का हो जाए, इस तरीका दिखने लगे, तो आप समझिए कि आपका सैंडविच रेडी हो गया है। तो आप इसे एक प्लेट में निकालें और सेम प्रोसेस से आप सारे सैंडविच को बनाकर रेडी कर लें।
इस सैंडविच को आप एक बार जरूर बनाइए, इससे बच्चे बड़े आपके घर में सब पसंद करेंगे और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।